शत बोले, शत बोले। रंग भरो, योग करो, योग करो, योग हो, रोज हो, योग हो, हो, रोज हो। तन मन में सो रंग भरो, योग करो, योग करो, आज ही से आरंभ करो, योग करो, योग करो। आस्था के धाम ने खोले अपने द्वार है, खुद के लिए उपहार बनो। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे हमारे चीफ गेस्ट रविंद्र चौहान जी, जो हम सबसे पहले आए हैं। चलो एक मिनट चलो सब नचो, चलो आंखें बंद, क्लोज योर आईज, एक लंबी गहरी सांस लेंगे, ओम का जाप करेंगे। ओम के जाप के लिए लंबी गहरी सांस लीजिए। ओम, एक बार और लंबी गहरी सांस लें। एक बार और लंबी गहरी सांस लें। जब आपका मन करे आंखें खोल सकते हैं। तालियों से हमारे चीफ गेस्ट रविंद्र चौहान जी का स्वागत करें और हमारे एमएलए कुमार एलन जी का स्वागत करें। जोरदार तालियां हो जाए दोनों के लिए। सर को इनवाइट करता हूं दीप प्रज्वलन के लिए। कहते हैं कि चलना है हमें अंधकार से प्रकाश की ओर, चलना है हमें अंधकार से प्रकाश की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर, पृथ्वी से आकाश की ओर, पदार्थ से सूक्ष्म की ओर। इस दिव्य ज्योति को जलाने के लिए हमारे चीफ गेस्ट रविंद्र चौहान जी पॉजिटिव वे से हम सबके बीच दीप प्रज्वलन करते हैं। हमारे बीच में भाभी मीना एलानी जी हैं, वो भी दीप प्रज्वलन करेंगे। जोरदार तालियों से स्वागत हो जाए। हमारे ग्रुप को साथ ले चलने वाले प्रदीप जी आप आगे आ जाएं, रवि भैया आप भी आगे आ जाएं, दयाल सर जी आप भी आगे आ जाएं। सभी दीप प्रज्वलन करेंगे। डॉक्टर साहब आइए। ये साइड आइए। देखो सबका हाथ एक साथ है। आइए पप्पू भाई, अजीत भाई आगे आइए, आइए आगे आ जाइए, सभी आगे आइए। वैसे हम सब एक हैं,
आइए कमलेश जी आगे आइए। सर ऐसे प्रदीप सर आइए, दयाल सर हाथ लगाइए, सर को प्लीज एस्कॉर्ट कीजिए उनके योगा मैट पे, उन्होंने बोला है वो भी योगा करेंगे हम सबके साथ। एक बार सर को बैठ जाने दीजिए, सभी बैठ जाएं, जो पीछे बैठे हैं बैठ जाएं प्लीज, सभी योगा करेंगे बैठ जाएं सभी। हमारे बीच हमारे मिनिस्टर रविंद्र चौहान जी वो भी योगा करने के लिए रेडी हैं, हमारे एमएलए कुमार एलानी जी, भाभी मीना एलानी जी, करें स्टार्ट, सभी बैठ गए हैं। परमात्मा को नमन करते हुए परमात्मा की आशीर्वाद देखिए कि आपके लिए सूरज देव ने भी आज दर्शन दिया है। परमात्मा को नमन करते हुए योग कुंभ को शुरू करें। संगच्छद्वं संवदद्वं संगच्छद्वं संवदद्वं संवो मनांसि जानता संवो मनांसि जानता देवा भागं यथा पूर्वे देवा संज्ञानानोपासते 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 संज्ञानानोपासते। अब हम योग साधना का अभ्यास सूक्ष्म व्यायाम के साथ करते हैं, जो शरीर में सूक्ष्म रक्त संचार को बढ़ाते हैं। गर्दन की क्रियाएं, गर्दन को आगे और पीछे झुकाना, सावधानियां, तीव्र सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होने की स्थिति में इस अभ्यास को न करें। समस्थिति में खड़े हों, पैरों के बीच 2 से 3 इंच की दूरी बनाएं, हाथों को शरीर के बगल में सीधा रखें। अब हाथों को कमर पर रखें, श्वास छोड़ते हुए सिर को धीरे धीरे आगे की ओर झुकाएं और ठोड़ी को छाती से स्पर्श करने का प्रयास करें। श्वास अंदर लेते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाएं, श्वास छोड़ते हुए सिर को धीरे धीरे सहजता से पीछे की ओर ले जाएं, सिर को सामान्य स्थिति में लाएं। ये एक चक्र है, एक और बार दोहराएं। गर्दन को दाईं एवं बाईं ओर झुकाना, सावधानी, इस अभ्यास को क्षमता अनुसार ही करने का प्रयास करें। श्वास छोड़ते हुए सिर को धीरे धीरे दाईं तरफ झुकाएं, कंधे को उठाए बिना कान को कंधे के समीप लाने का प्रयास करें।
बाईं ओर खिंचाव को महसूस करें। श्वास अंदर लेते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाएं। श्वास छोड़ते हुए सिर को बाईं तरफ झुकाएं। दाईं ओर खिंचाव को महसूस करें। श्वास अंदर लेते हुए सिर को वापस सामान्य स्थिति में लाएं। ये एक चक्र है, इसे एक और बार दोहराएं। गर्दन दाईं और बाईं ओर घुमाना। सावधानी, गर्दन को झटका ना दें। सिर को सामान्य स्थिति में रखें। श्वास छोड़ते हुए सिर को आराम से दाईं तरफ इतना घुमाएं कि थोड़ी कंधे की सीध में आ जाए। श्वास अंदर लेते हुए सिर को वापस सामान्य स्थिति में लाएं। श्वास छोड़ते हुए सिर को बाईं तरफ घुमाएं। दाईं ओर खिंचाव को महसूस करें। श्वास अंदर लेते हुए सिर को वापस सामान्य स्थिति में लाएं। ये एक चक्र है, इसे एक और बार दोहराएं। गर्दन को गोलाकार घुमाना। सावधानियां, गर्दन में दर्द और सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस से पीड़ित व्यक्ति इस क्रिया को ध्यान पूर्वक करें। श्वास छोड़ते हुए सिर को आगे की ओर झुकाएं और ठोड़ी को छाती से स्पर्श करने का प्रयास करें। श्वास अंदर लेते हुए धीरे धीरे सिर को घड़ी की सुई की दिशा में घुमाएं तथा श्वास छोड़ते हुए सिर को वापस लाएं। ये एक चक्र है, इसे एक और बार दोहराएं। अब सिर को घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घुमाएं। श्वास अंदर लेते हुए सिर को पीछे ले जाएं और श्वास छोड़ते हुए वापस सामान्य स्थिति में आ जाएं। ये एक चक्र है, इसे एक और बार दोहराएं। श्वास अंदर लेते हुए सिर को वापस सामान्य स्थिति में लाएं। श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे लाएं। विश्राम करें। स्कंध संचालन, स्कंध और भुजाओं का संचालन। सावधानियां, कंधे की अकड़न से पीड़ित व्यक्ति इस क्रिया को ध्यान पूर्वक करें। समस्थिति से शुरुआत करें। पैरों के बीच 2 से 3 इंच की दूरी बनाएं। हाथों को शरीर के बगल में सीधा रखें। हाथों की उंगलियां मिली हुई और जमीन की दिशा में हों। श्वास लेते हुए बगल से दोनों भुजाओं को सिर के ऊपर उठाएं। हथेलियां बाहर की दिशा में हों। श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे ले आएं। ये एक चक्र है, एक और बार दोहराएं। स्कंध चक्र। सीधे खड़े हो जाएं। श्वास लेते हुए दोनों भुजाओं को कंधे की सीध में उठाएं और कोहनियों से मोड़ें। दोनों हाथों की उंगलियों को कंधों पर रखें। कोहनियों को वक्षस्थल के सामने स्पर्श कराने की कोशिश करें। दोनों कोहनियों और स्कंधों को चक्राकार घुमाएं। ये एक चक्र है, इसे एक और बार दोहराएं। श्वास लेते हुए हाथ को ऊपर ले जाएं और श्वास छोड़ते हुए नीचे ले आएं। इस क्रिया को विपरीत दिशा में 2 बार दोहराएं। श्वास लेते हुए हाथों को ऊपर ले जाएं और श्वास छोड़ते हुए नीचे ले आएं। अब श्वास अंदर लेते हुए दोनों कोहनियों को बगल में लाएं। श्वास छोड़ते हुए हाथों को वापस नीचे ले आएं और विश्राम करें। कटी चालन, कटी शक्ति विकासक। सावधानियां, कशेरुक विकार होने की स्थिति में इस आसन को उचित मार्गदर्शन में करें। समस्थिति से शुरुआत करते हुए पैरों में 1 फुट की दूरी बनाएं। दोनों भुजाओं को वक्षस्थल के स्तर तक उठाएं। दोनों हथेलियां एक दूसरे के आमने सामने रखें और भुजाओं को समानांतर रखें। श्वास छोड़ते हुए शरीर को दाईं ओर घुमाएं। बाएं हाथ को दाईं कंधे के समीप ले आएं। श्वास लेते हुए वापस आएं।
श्वास छोड़ते हुए कटी को घुमाएं और पीठ को बाईं ओर घुमाएं, श्वास भरते हुए वापस आएं। ये एक चक्र है, इसे एक और बार दोहराएं। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे भुजाओं को वापस सामान्य स्थिति में लाएं, पैरों को जोड़ें, विश्राम करें। घुटना संचालन, सावधानियां, आर्थराइटिस अथवा मोटापे से पीड़ित होने पर इस क्रिया को ध्यान पूर्वक करें। समस्थिति से शुरुआत करें, पैरों में एक फुट की दूरी बनाएं, श्वास अंदर लेते हुए भुजाओं को कंधे के स्तर तक लाएं तथा हथेलियों को नीचे की ओर रखें। श्वास छोड़ते हुए घुटनों को मोड़ें और अपने शरीर को आधा बैठने की स्थिति में ले आएं। अंतिम स्थिति में दोनों भुजाएं और जांघें जमीन की तरफ समानांतर स्थिति में होनी चाहिए। श्वास लेते हुए वापस आएं। ये एक चक्र है, इसे एक और बार दोहराएं। श्वास लेते हुए वापस आएं। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे भुजाओं को वापस लाएं तथा पैरों को जोड़ें, विश्राम करें। आइए अब योगासन की तरफ बढ़ें। खड़े होकर किए जाने वाले आसन, ताड़ासन। ताड़ का अर्थ है ताड़ का पेड़। सावधानियां, जिन व्यक्तियों को आर्थराइटिस, वेरिकोज वेन्स अथवा चक्कर आने की समस्याएं हैं, उन्हें ये आसन नहीं करना चाहिए। सीधे खड़े हो जाएं, पैरों के बीच परस्पर 2 इंच की दूरी बनाएं, हाथों को शरीर के बगल में रखें, श्वास लें, भुजाओं को ऊपर उठाते हुए आगे की तरफ कंधों की सीध में ले आएं, उंगलियों को आपस में जकड़ें तथा श्वास छोड़ते हुए हथेलियों को बाहर की तरफ मोड़ें। अब श्वास भरते हुए भुजाओं को सिर के ऊपर ले जाएं, एड़ियों को जमीन से ऊपर उठाएं और पंजों पर संतुलन बनाएं। इस स्थिति में 3 से 5 श्वासों तक शारीरिक जागरूकता के साथ बने रहें। एड़ियों को नीचे ले आएं, उंगलियों को खोलें, श्वास छोड़ें। श्वास छोड़ते हुए भुजाओं को नीचे लाएं और समस्थिति में लौट आएं, विश्राम करें। वृक्षासन, वृक्ष का अर्थ है पेड़। सावधानियां, आर्थराइटिस, चक्कर आना अथवा मोटापे की समस्या से पीड़ित व्यक्ति ये आसन न करें। समस्थिति से शुरुआत करें। आंखों के सामने किसी बिंदु पर ध्यान केंद्रित करें। श्वास छोड़ते हुए दाएं पैर को मोड़कर उसके पंजे को बाएं पैर की अंदरूनी जांघ पर रखें। ध्यान रखें कि एड़ी मूलाधार क्षेत्र से मिली होनी चाहिए। श्वास अंदर लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं और हथेलियों को परस्पर नमस्कार मुद्रा में मिलाएं। इस स्थिति में 3 से 5 श्वासों तक शारीरिक जागरूकता के साथ बने रहें। श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे लाएं। दाएं पैर को नीचे लाते हुए प्रारंभिक अवस्था में वापस आएं। इस आसन का अभ्यास बाएं पैर से भी करें। श्वास छोड़ते हुए बाएं पैर को उठाएं और मोड़कर उसके पंजे को दाएं पैर की अंदरूनी जांघ पर रखें। एड़ी मूलाधार क्षेत्र से मिली होनी चाहिए। श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं और हथेलियों को नमस्कार मुद्रा में मिलाएं। इस स्थिति में 3 से 5 श्वासों तक शारीरिक जागरूकता के साथ बने रहें। श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे लाएं। बाएं पैर को नीचे लाते हुए प्रारंभिक अवस्था में वापस आएं, विश्राम करें। पाद हस्तासन, पाद का अर्थ है पैर और हस्त का अर्थ है हाथ। सावधानियां, हृदय, रीढ़ संबंधी समस्याओं अथवा काला मोतिया की दशा में इस अभ्यास को न करें। समस्थिति से आरंभ करते हुए दोनों पैरों में 2 इंच की दूरी बनाकर खड़े हो जाएं। धीरे धीरे श्वास लेते हुए हाथों को सामने की ओर ऊपर उठाएं, शरीर को कमर से ऊपर की ओर खींचें।
श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर तब तक झुकें जब तक हथेली जमीन को स्पर्श न करने लगे। रीढ़ की हड्डी से खींचते हुए कमर को यथासंभव सीधी करें। इस स्थिति में 3 से 5 श्वासों तक शारीरिक जागरूकता के साथ बने रहें। अब श्वास लेते हुए धीरे धीरे सीधे वापस आएं और भुजाओं को सिर के ऊपर ले जाकर खींचें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे भुजाओं को नीचे लाते हुए प्रारंभिक स्थिति में आएं। विश्राम करें। अर्ध चक्रासन, अर्ध का अर्थ है आधा और चक्र का अर्थ है पहिया। सावधानी, चक्कर आने अथवा हृदय संबंधी समस्याओं में ये आसन न करें। समस्थिति से आरंभ करते हुए दोनों पैरों में 2 इंच की दूरी बनाकर खड़े हो जाएं। दोनों हाथों की उंगलियों को कमर पर रखकर पीठ को सहारा दें। कोहनियों को परस्पर समानांतर रखें। श्वास लेते हुए सिर को पीछे झुकाएं, गर्दन की मांसपेशियों में खिंचाव को महसूस करें। श्वास छोड़ते हुए रीढ़ के निचले हिस्से से पीछे की ओर झुकें। इस स्थिति में 3 से 5 श्वासों तक शारीरिक जागरूकता के साथ बने रहें। श्वास लेते हुए धीरे धीरे वापस आएं तथा सामान्य स्थिति में लौटें। विश्राम करें। त्रिकोणासन, त्रिकोण का अर्थ है त्रिभुज। सावधानियां, स्लिप डिस्क, साइटिका तथा उदर में सर्जरी के उपरांत ये आसन न करें। समस्थिति से आरंभ करते हुए पैरों के बीच 3 फीट की दूरी बनाकर खड़े हो जाएं। श्वास लेते हुए दोनों हाथों को कंधे की सीध तक उठाएं और हथेलियों को बाहर की तरफ रखें। दाएं पैर को दाईं तरफ घुमाएं। श्वास छोड़ें, धीरे धीरे दाईं तरफ झुकें और दाएं हाथ को दाएं पैर के पीछे रखें। सिर को ऊपर की ओर घुमाएं और बाएं हाथ की मध्यमा उंगली को देखें। बाएं हाथ को दाएं हाथ की सीध में रखें। इस स्थिति में 3 से 5 श्वासों तक शारीरिक जागरूकता के साथ बने रहें। श्वास अंदर लेते हुए धीरे धीरे वापस आएं और दाएं पैर को वापस ले आएं। इस आसन को बाईं तरफ से भी दोहराएं। बाएं पैर को बाईं तरफ घुमाएं। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे बाईं तरफ झुकें और बाएं हाथ को बाएं पैर के पीछे रखें। सिर को ऊपर की ओर घुमाएं और दाएं हाथ की मध्यमा उंगली को देखें। दाएं हाथ को बाएं हाथ की सीध में करें। इस स्थिति में 3 से 5 श्वासों तक शारीरिक जागरूकता के साथ बने रहें। श्वास लेते हुए धीरे धीरे वापस आएं। अब बाएं पैर को वापस ले आएं। श्वास छोड़ें, हाथों को नीचे ले आएं तथा पैरों को मिलाएं। भद्रासन, भद्र का अर्थ है दृढ़ अथवा शुभ। सावधानी, आर्थराइटिस अथवा साइटिका होने पर ये अभ्यास न करें। विश्रामासन से शुरुआत करें। कमर को हाथों से सहारा दें। दोनों पैरों को आगे की तरफ फैलाकर बैठें। शरीर को पूर्ण विश्राम दें। कमर को सीधा करें और पैरों को आगे की ओर मिलाकर बैठ जाएं। हाथों को नितंब के पास लाते हुए हथेलियों को जमीन पर रखें। ये दंडासन है। अपने पैरों के तलवों को मिलाएं। श्वास छोड़ें तथा हाथों से अपने पंजों को पकड़ें। श्वास लें, एड़ियों को यथासंभव मूलाधार के पास लाएं। इस स्थिति में 3 से 5 श्वासों तक शारीरिक जागरूकता के साथ बने रहें। श्वास छोड़ें, हाथों को खोलें तथा पैरों को सामने की तरफ सीधा करें। कमर को हाथों से सहारा दें। विश्राम करें। वज्रासन, वज्र का अर्थ होता है कठोर। सावधानी, घुटने के दर्द अथवा टखने की चोट से पीड़ित व्यक्ति इस आसन का अभ्यास न करें।
विश्राम आसन से शुरुआत करें। पीठ सीधी रखें और दोनों पैरों को आगे की ओर मिलाकर बैठ जाएं। हाथों को नितंब के पास लाते हुए हथेलियों को जमीन पर रखें। ये दंडासन है। दाएं पैर को घुटने से मोड़ते हुए पंजे को दाएं नितंब के नीचे दबाकर बैठ जाएं। इसी प्रकार बाएं पैर को मोड़ते हुए नितंब के नीचे रखें। पैरों को इस प्रकार रखें जिससे दोनों पैरों के अंगूठे जुड़े रहें। नितंबों को पंजों और एड़ियों के बीच में रखें। हाथों को घुटनों पर रखें। कमर सीधी करें, सामने की ओर ध्यान केंद्रित करें अथवा आंखें बंद रखें। इस स्थिति में 3 से 5 श्वासों तक शारीरिक जागरूकता के साथ बने रहें। प्रारंभिक स्थिति में लौटते समय दाईं ओर झुकते हुए बाएं पैर को निकालें और उसे सीधा करें। इसी प्रकार अपना दायां पैर सीधा करते हुए सामान्य स्थिति में लौट आएं। विश्राम करें। अर्ध उष्ट्रासन। उष्ट्र शब्द का अर्थ है ऊंट। सावधानी। हर्निया, उदर संबंधी व्याधियों, आर्थराइटिस अथवा चक्कर आने पर इस आसन को न करें। विश्राम अवस्था से शुरू करें। कमर सीधी और पैरों को आगे की ओर मिलाकर बैठें। हथेलियों को जमीन पर और उंगलियों को सामने की ओर रखें। ये दंडासन है। दाएं पैर को घुटने से मोड़ते हुए पंजे को दाएं नितंब के नीचे दबाकर बैठ जाएं। इसी प्रकार बाएं पैर को भी मोड़ते हुए बाएं नितंब के नीचे रखें। हाथों को घुटनों पर रखें। घुटनों पर खड़े हो जाएं। हाथों को नितंबों पर रखें। उंगलियां नीचे की ओर हों। कोहनियों को समानांतर रखें। श्वास लें। सिर को पीछे झुकाएं तथा गर्दन में खिंचाव महसूस करें। श्वास छोड़ें और कटी भाग से यथासंभव पीछे की ओर झुकें। जांघों को सीधा रखें। इस स्थिति में 3 से 5 श्वासों तक शारीरिक सजगता के साथ बने रहें। श्वास लेते हुए घुटनों पर खड़े हो जाएं। श्वास छोड़ते हुए वज्रासन में वापस आएं। प्रारंभिक स्थिति में लौटते समय दाईं ओर झुकते हुए बाएं पैर को निकालें और उसे सीधा करें। इसी प्रकार अपना दायां पैर सीधा करते हुए सामान्य स्थिति में लौट आएं। विश्राम करें। उष्ट्रासन। उष्ट्र का अर्थ है ऊंट। सावधानियां। हर्निया के रोगियों को ये आसन नहीं करना चाहिए। विश्राम अवस्था से शुरू करें। कमर सीधी और पैरों को आगे की ओर मिलाकर बैठें। हथेलियों को जमीन पर रखें। उंगलियां सामने की ओर हों। ये दंडासन है। दाएं पैर को घुटने से मोड़ लें तथा पंजे को दाएं नितंब के नीचे दबाकर बैठ जाएं। इसी प्रकार बाएं पैर को भी मोड़ लें तथा बाएं नितंब के नीचे रखें। हाथों को घुटनों पर रखें। घुटनों पर खड़े हो जाएं। घुटनों और पंजों में कुछ इंच की दूरी रखें। श्वास अंदर लें। बिना गर्दन को झटका दिए सिर को पीछे झुकाएं। श्वास छोड़ें। दाईं हथेली को दाईं एड़ी पर और बाईं हथेली को बाईं एड़ी पर रखें। पूरे शरीर का भार भुजाओं और पैरों पर होना चाहिए। इस स्थिति में 3 से 5 श्वासों तक शारीरिक जागरूकता के साथ बने रहें। श्वास लेते हुए घुटनों पर खड़े हो जाएं। श्वास छोड़ते हुए वज्रासन में वापस आएं। प्रारंभिक स्थिति में लौटते समय दाईं ओर झुकते हुए बाएं पैर को निकालें और उसे सीधा करें। इसी प्रकार अपना दायां पैर सीधा करते हुए सामान्य स्थिति में लौट आएं। विश्राम करें। शशकासन। शशक का अर्थ है खरगोश। सावधानियां। घुटनों से संबंधित ऑस्टियोआर्थराइटिस से पीड़ित व्यक्ति इस आसन को न करें। विश्राम अवस्था से शुरू करें। कमर सीधी रखें। पैरों को आगे की ओर मिलाकर बैठें। हथेलियों को जमीन पर तथा उंगलियों के सामने की ओर रखें। ये दंडासन है।
दाएं पैर को घुटने से मोड़ें तथा पंजे को दाएं नितंब के नीचे दबाकर बैठ जाएं। इसी प्रकार बाएं पैर को भी मोड़ लें तथा बाएं नितंब के नीचे रखें। हाथों को घुटनों पर रखें, श्वास लें, दोनों घुटनों को फैलाएं। हथेलियों को दोनों घुटनों के बीच में रखें, श्वास छोड़ते हुए धड़ से आगे की ओर झुकें और ठोड़ी को जमीन से स्पर्श करें। भुजाओं को समानांतर रखें। इस स्थिति में 3 से 5 श्वासों तक शारीरिक जागरूकता के साथ बने रहें। श्वास लें और ऊपर की ओर वापस आएं। घुटनों को जोड़ें। प्रारंभिक स्थिति में लौटते समय दाईं ओर झुकते हुए बाएं पैर को निकालें और उसे सीधा करें। इसी प्रकार अपना दायां पैर सीधा करते हुए सामान्य स्थिति में लौट आएं। विश्राम करें। उत्तान मंडूकासन। उत्तान का अर्थ है ऊपर उठा हुआ और मंडूक का अर्थ है मेंढक। सावधानियां, ऑस्टियोआर्थराइटिस से पीड़ित व्यक्ति घुटनों के बल ना बैठें। विश्राम अवस्था से शुरू करें। कमर सीधी रखते हुए पैरों को आगे की ओर मिलाकर बैठें। हथेलियों को जमीन पर रखें, उंगलियां सामने की ओर स्थित हों। ये दंडासन है। दाएं पैर को घुटने से मोड़ लें तथा पंजे को दाएं नितंब के नीचे दबाकर बैठ जाएं। इसी प्रकार बाएं पैर को भी मोड़ लें और बाएं नितंब के नीचे रखें। हाथों को घुटनों पर रखें, दोनों घुटनों को फैलाएं, श्वास लें, दोनों हाथों को सिर के ऊपर ले जाएं, श्वास छोड़ते हुए कोहनियों से उन्हें मोड़ते हुए दाईं हथेली को बाएं कंधे पर और बाईं हथेली को दाएं कंधे पर रखें। इस स्थिति में 3 से 5 श्वासों तक शारीरिक जागरूकता के साथ बने रहें। अब श्वास लें तथा हाथों को ऊपर उठाएं, श्वास छोड़ें, हाथों को नीचे लाएं और घुटनों को जोड़ें। प्रारंभिक स्थिति में लौटते समय दाईं ओर झुकते हुए बाएं पैर को निकालें और उसे सीधा करें। इसी प्रकार अपना दायां पैर सीधा करते हुए सामान्य स्थिति में लौट आएं। विश्राम करें। वक्रासन। वक्र का अर्थ है घुमावदार। सावधानियां। अत्यधिक पीठ दर्द अथवा रीढ़ की हड्डी के विकारों से पीड़ित व्यक्ति इस अभ्यास को न करें। विश्राम अवस्था से शुरू करें। कमर सीधी और पैरों को आगे की ओर मिलाकर बैठें। दाएं पैर को मोड़ते हुए दाएं पंजे को बाएं घुटने के साथ रखें। दायां हाथ शरीर के पीछे रखें। बाएं हाथ को दाहिने पैर की ओर से लाते हुए बाईं हथेली को दाएं पंजे के साथ रखें। श्वास लें, कमर को सीधा करें, श्वास छोड़ें तथा अपने शरीर और सिर को दाईं ओर घुमाएं। इस स्थिति में 3 से 5 श्वासों तक बने रहें। श्वास लें तथा वापस आएं। इस आसन को दूसरी तरफ से दोहराएं। बाएं पैर को मोड़ते हुए बाएं पंजे को दाएं घुटने के साथ रखें। बायां हाथ शरीर के पीछे रखें। दाएं हाथ को बाएं पैर की ओर से लाते हुए दाएं हथेली को बाएं पंजे के साथ रखें। श्वास लें और कमर को सीधा करें, श्वास छोड़ें तथा अपने शरीर और सिर को बाईं ओर घुमाएं। इस स्थिति में 3 से 5 श्वासों तक बने रहें। श्वास लें तथा प्रारंभिक स्थिति में वापस आएं। विश्राम करें। मकरासन। मकर का अर्थ है मगर या घड़ियाल। सावधानियां। गर्भावस्था अथवा कंधे की अकड़न के समय में इस आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। वज्रासन से शुरुआत करें। सर्वप्रथम उदर के बल लेट जाएं, पैर जोड़ें तथा पंजों को बाहर की ओर रखें, ठोड़ी को जमीन पर रखें, हाथों को आगे की ओर खींचें, पैरों को एक दूसरे से दूर फैलाएं, पंजों को बाहर की ओर रखें, कोहनियों को मोड़ते हुए ठोड़ी को हाथ पर रखें, सिर को बाईं ओर घुमाएं और हाथों पर रख दें। अपनी आंखें बंद रखें,
पूरे शरीर को विश्राम दें। इस अंतिम स्थिति में शारीरिक जागरूकता के साथ 3 से 5 श्वासों तक बने रहें। शारीरिक जागरूकता के साथ श्वास प्रश्वास को महसूस करें। भुजंगासन। भुजंग का अर्थ है सांप। सावधानियां, हर्निया अथवा पेट के अल्सर से पीड़ित व्यक्ति इस आसन को न करें। मकरासन से शुरुआत करें। अब दोनों पैरों को जोड़ें, हाथों को सामने की ओर खींचें, हथेलियों को छाती के पास रखें और कोहनियों को शरीर के समीप रखें। श्वास अंदर लें और रीढ़ से मोड़ते हुए सिर और छाती को नाभि के हिस्से तक ऊपर उठाएं। कोहनियों को समानांतर रखें और इस अंतिम स्थिति में 3 से 5 श्वासों तक शारीरिक जागरूकता के साथ बने रहें। श्वास छोड़ें, सिर को नीचे लाएं और ठोड़ी को जमीन पर रखें। मकरासन में विश्राम करें। शलभासन। शलभ का अर्थ है टिड्डी, जो एक प्रकार का कीड़ा होता है। सावधानियां, पीठ के निचले हिस्से में अधिक दर्द, पेप्टिक अल्सर, हर्निया अथवा हृदय रोग से पीड़ित व्यक्ति इस आसन को न करें। मकरासन से शुरुआत करें। अब दोनों पैरों को जोड़ें, दोनों हाथों को शरीर के बगल में रखते हुए हथेलियों को जमीन पर रखें। श्वास लें तथा दोनों पैरों को बिना घुटनों को मोड़े जमीन से ऊपर उठाएं। इस स्थिति में 3 से 5 श्वासों तक बने रहें। श्वास छोड़ें तथा पैरों को नीचे ले आएं। मकरासन में विश्राम करें। सेतु बंधासन। सेतु का अर्थ है पुल। सावधानियां, पेट के अल्सर अथवा हर्निया से पीड़ित व्यक्तियों को ये आसन नहीं करना चाहिए। पीठ के बल आराम से लेट जाएं। पैरों को मिलाइए, हथेलियों की दिशा जमीन की तरफ हो। दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ें तथा एड़ियों को नितंबों के पास ले जाएं। दोनों एड़ियों को सुविधा अनुसार पकड़ें। श्वास लें, धीरे धीरे नितंबों तथा कमर को यथासंभव ऊपर उठाएं और सेतु जैसी स्थिति में लाएं। इस स्थिति में 3 से 5 श्वासों तक बने रहें। श्वास छोड़ें, धीरे धीरे नितंबों को नीचे लाएं। पैरों को सीधा करें। विश्राम करें। उत्तान पादासन। यहां उत्तान का अर्थ है ऊपर की ओर उठा हुआ और पाद का अर्थ है पैर। सावधानियां, गहन तनाव से पीड़ित व्यक्ति को यह अभ्यास एक बार में एक पैर का उपयोग करते हुए करना चाहिए। पीठ के बल आराम से लेट जाएं, दोनों पैरों को मिलाएं, हाथों को शरीर के बगल में रखते हुए हथेलियों को जमीन पर रखें। श्वास लें, घुटनों को मोड़े बिना दोनों पैरों को तब तक ऊपर उठाएं जब तक आपको पंजों के सिरे न दिखने लगे। इस स्थिति में 3 से 5 श्वासों तक शारीरिक जागरूकता के साथ बने रहें। श्वास छोड़ें, धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को नीचे लाएं और जमीन पर रखें। विश्राम करें। अर्ध हलासन। अर्ध का अर्थ है आधा और हल का अर्थ है जमीन को खोदने वाला कृषि यंत्र। सावधान, उदर में जख्म, हर्निया अथवा पीठ के निचले हिस्से के दर्द से पीड़ित व्यक्ति इस आसन को न करें। पीठ के बल आराम से लेट जाएं, दोनों पैरों को मिलाएं, हाथों को शरीर के बगल में रखते हुए हथेलियों को जमीन पर रखें। श्वास लें, घुटनों को मोड़े बिना धीरे धीरे पैरों को ऊपर उठाएं तथा जमीन से 90 डिग्री के कोण की स्थिति में ले आएं। नितंबों से कंधे तक शरीर को सीधा रखें। इस स्थिति में 3 से 5 श्वासों तक शारीरिक जागरूकता के साथ बने रहें। श्वास
श्वास छोड़ें तथा बिना सिर उठाए धीरे धीरे दोनों पैरों को नीचे ले आएं। विश्राम करें। पवन मुक्तासन। पवन का अर्थ है वायु और मुक्त का अर्थ है मुक्त करना। सावधानियां, उदर संबंधी चोट, हर्निया, साइटिका अथवा अत्यधिक पीठ दर्द में इस अभ्यास को न करें। पीठ के बल आराम से लेट जाएं, दोनों पैरों को मिलाएं, हाथों को शरीर के बगल में रखते हुए हथेलियों को जमीन पर रखें, पैरों को दोनों घुटनों से मोड़ें, श्वास छोड़ें, जांघों और घुटनों को छाती के निकट लाएं, श्वास लें और दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में जकड़ते हुए दोनों पैरों को घुटनों से नीचे टांगों को कसकर पकड़ लें, श्वास छोड़ें, सिर तथा कंधे उठाएं और ठोड़ी को घुटनों के बीच लगाने का प्रयास करें। इस स्थिति में 3 से 5 श्वासों तक बने रहें। श्वास लेते हुए सिर को जमीन पर लाएं, श्वास छोड़ें और पैरों को जमीन पर वापस ले आएं। पीठ के बल लेटकर विश्राम करें। शवासन। शव का अर्थ है मृत देह। पीठ के बल आराम से लेट जाएं, पैरों को फैलाएं, भुजाओं को शरीर के बगल में रखें, हथेलियां ऊपर की ओर हों और आंखें बंद रखें। पूरे शरीर के प्रति सजग रहते हुए विश्राम करें। श्वास लंबा, गहरा, लयबद्ध होने दें। श्वास मंद होते हुए महसूस करें। ताजगी और निश्चिंतता की प्राप्ति होने तक इसी अवस्था में रहें। वापस आने के लिए अपने हाथ को सिर के ऊपर सीधा करें और धीरे से पैरों को मिलाएं। दाईं अथवा बाईं ओर करवट लें और हाथों की मदद से आरामदायक आसन में बैठ जाएं। कपाल भाती। कपाल का अर्थ है मस्तक और भाती का अर्थ होता है चमक या शुद्ध करना। सावधानियां, हृदय संबंधी व्याधियों, मिर्गी, हर्निया, गैस्ट्रिक अल्सर अथवा मासिक धर्म के दौरान ये क्रिया नहीं करनी चाहिए। किसी भी आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। मेरुदंड व सिर को सीधा रखें और आंखें बंद कर लें। अपने हाथों को घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में रख लें। गहरी श्वास अंदर लें तथा श्रोणि में श्वास की भरावट तथा छाती के फैलाव को महसूस करें। नासिका छिद्रों से श्वास का अंदर जाना और सीने में भरना महसूस करें। उदर की मांसपेशियों पर दबाव देते हुए श्वास को छोड़ें। निष्क्रिय रूप से श्वास ग्रहण करें। आइए अब 20 आवृत्तियों के साथ कपाल भाती का पहला चक्र प्रारंभ करें। लंबा श्वास छोड़ें और विश्राम करें। यह कपाल भाती का एक चक्र है। अब 20 आवृत्तियों के साथ इस क्रिया को 2 बार और करें। प्राणायाम। नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम प्राणायाम। किसी भी आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। श्वास गहरा, नियमित तथा नियंत्रित होना चाहिए। मेरुदंड व सिर को सीधा रखें और आंखें बंद रखें। गहरे श्वास के साथ शरीर को शिथिल कर लें। बाईं हथेली को बाईं घुटने पर ज्ञान मुद्रा में रखें। दाएं हाथ से प्राणायाम मुद्रा धारण करें। तर्जनी और बीच की उंगली को ऐसे मोड़ें। दाएं अंगूठे से दाईं नासिका छिद्र को बंद करें। अब बाएं नासिका छिद्र से श्वास लें। अपने शरीर में प्राण रूपी श्वास के आवागमन को महसूस करें। फिर बाईं नासिका छिद्र को अनामिका और कनिष्ठिका से बंद कर लें और दाहिने नासिका छिद्र से श्वास छोड़ें। अब दाहिने नासिका छिद्र से ही श्वास लें।
अंगूठे से दाहिने नासिका छिद्र को बंद करें और बाएं नासिका छिद्र से श्वास छोड़ें। ये नाड़ी शोधन प्राणायाम का एक चक्र है, चार चक्र और पूरे करें। शीतली प्राणायाम। सावधानियां, कफ, सर्दी अथवा टॉन्सिलाइटिस के रोगियों को ये प्राणायाम नहीं करना चाहिए। किसी भी आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। मेरुदंड व सिर को सीधा रखें और आंखें बंद कर लें। अपने हाथों को घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में रख लें। जीभ को किनारों से मोड़कर ट्यूब नुमा आकृति बना लें। जीभ से श्वास लेते हुए यथासंभव वायु को फेफड़ों में भरें। जीभ को मुंह के अंदर ले जाएं और मुंह को बंद कर लें। दोनों नासिकाओं छिद्रों से धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़ें और अपना ध्यान अपने श्वास पर बनाए रखें। ये शीतली प्राणायाम का एक चक्र है, इसे चार बार दोहराएं। भ्रामरी प्राणायाम। किसी भी आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। मेरुदंड व सिर को सीधा रखें और आंखें बंद कर लें। अपने हाथों को घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में रख लें। दोनों नासिका छिद्रों से गहरा श्वास लें। नियंत्रित तरीके से गहरी और भंवरे की गुंजन जैसी ध्वनि के साथ श्वास बाहर छोड़ें। एक बार और दोहराएं। अब भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास षणमुखी मुद्रा के साथ करें। आंखों को तर्जनी उंगली से बंद करें। मध्यमा उंगली को दोनों नासिकाओं के समानांतर रखें। अनामिका को होंठ के ऊपरी भाग पर और कनिष्ठिका को निचले होंठ के नीचे रखें। अंगूठे से दोनों कानों को बंद करें। गहरा श्वास लें। नियंत्रित तरीके से गहरी और भंवरे की गुंजन जैसी ध्वनि के साथ श्वास बाहर छोड़ें। एक बार पुनः दोहराएं। ध्यान। किसी भी आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। अपने हाथों को घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में रखें। आंखें बंद करें। अब ध्यान मुद्रा धारण करें। चेहरे को हल्का सा ऊपर उठाएं, बिना किसी पर विशेष ध्यान केंद्रित किए। केवल अपनी भौहों के बीच हल्का सा ध्यान केंद्रित करें और अपनी श्वासों के प्रति सजग रहें। श्वासों को मुक्त भाव से बहने दें, बस इस प्रवाह को अनुभव करें। यदि संभव हो तो पूर्व विचारों को छोड़ने का प्रयास करें। अब हम संकल्प लेते हैं, मैं हर समय मन को संतुलित स्थिति में रखने के लिए खुद को प्रतिबद्ध करता हूं। इस स्थिति में ही मेरा विकास अपनी संपूर्ण संभावनाओं तक पहुंचता है। मैं स्वयं के साथ अपने परिवार, अपने कार्यस्थल, समाज और संसार के प्रति शांति, स्वास्थ्य और सामंजस्य के संवर्धन हेतु अपना कर्तव्य निभाने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। योगाभ्यास, शांति पाठ या सार्वभौमिक प्रार्थना के साथ समाप्त होगा। सबकी शांति और समृद्धि हेतु। सर्वे सन्तु निरामयः।
शांति शांति शांति। हरिओम हरिओम। ज़ोरदार तालियां इन सभी के लिए। मैंने देखा बारिश हुई बीच में, आप में से कई जने उठे बैठे, छाता खोला, लेकिन ये डटे रहे। प्लीज़ ज़ोरदार तालियां फिर से इनके लिए। और कितनी परफेक्शन के साथ इन्होंने योग प्रोटोकॉल किया है। 28 योगा इंस्टीट्यूट्स और 8 स्कूल्स आज ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैं पीछे कई लोग खड़े हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ये वाले रास्ते पे आगे आ जाएं प्लीज़। आपको काफ़ी बैठने की भी जगह मिलेगी यहाँ पे, वो साइड से आगे आ जाएं प्लीज़ सभी। हमारे आमदार श्री कुमार आलानी जी की ओर से इस भव्य प्रोग्राम के लिए प्लीज़ ज़ोरदार तालियां उनके लिए। आज के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री रविंद्र चौहान जी को मैं आमंत्रित करता हूं, स्टेज पे उनका स्वागत करेंगे योग दिवस के मौके पे। प्लीज़ ज़ोरदार तालियां चौहान सर के लिए। सर कहते हैं, हमारे MLA कुमार आलानी जी कहते हैं, मैं रविंद्र सर जी को एक बात बताना चाहता हूँ। सर कहते हैं कि जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है। क्या कहते हैं? जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी का इम्तिहान देना भी अभी बाकी है। अभी तो निकले हैं हम मुट्ठी भर जमीन पर, आसमान को छूना अभी बाकी है, आसमान तक जाना है हमें सर। उदय रूप चंदानी जी जिन्होंने हमें बहुत सहयोग दिया है, वो तालियों के रविंद्र चौहान जी का स्वागत करेंगे। उदय रूप चंदानी जी, महेश सुखरामनी जी आगे जाके स्वागत करेंगे, डॉक्टर साहब स्वागत करेंगे, हमारे शहर के BJP के प्रेसिडेंट प्रदीप राम चंदानी जी रविंद्र चौहान जी का स्वागत करेंगे। जोरदार तालियां हो जाए। म्युनिसिपल कॉर्पोरेटर चाली साहब जी स्वागत कर रहे हैं रविंद्र चौहान जी का। जोरदार तालियां हो जाए। सुबह सुबह थक गए हैं क्या सब? कमान जोरदार तालियां हो जाए। पुष्पा दीदी ब्रह्म कुमारी की, पुष्पा दीदी ऊपर आ जाएं प्लीज, सॉरी मैं भूल गया, जल्दी आ जाएं ऊपर। सभी प्रोटोकॉल परफॉर्मेंस की ओर से सुहाना जी सर का स्वागत कर रहे हैं। जोरदार तालियां हो जाए। आप ध्यान रखें, ये प्रोटोकॉल परफॉर्मेंस कितना बढ़िया रहा। आप सब लोग ने छतरी खोली, इन लोग सब ने गिले होके किया। जोरदार तालियां हो जाए इन सब के लिए, सब बच्चों के लिए भी। हम थोड़ी सी बरसात के लिए डर गए, जबकि वो कृपा की बरसात हो रही थी, सब पे ऊपर कृपा की बरसात हुई और हम बरसात को रोक के रखे हमने। थैंक यू एवरीबडी, थैंक यू। पुष्पा दीदी आगे आ जाए प्लीज। पुष्पा दीदी का स्वागत करेंगे मीना जी। जोरदार तालियां हो जाए। प्रदीप जी
सभी योगा की तरफ से प्रदीप जी आगे आएंगे, प्लीज प्रदीप जी स्वागत करेंगे सभी योगा ग्रुप की तरफ से। सभी योगा ग्रुप्स की तरफ से प्रदीप जी स्वागत करेंगे रविंद्र चौहान जी का। जोरदार ताली हो जाए सभी योगा ग्रुप्स कौन। चौहान साहब से कुछ सुनना चाहेंगे सभी योगा ग्रुप की तरफ से। लक्की नंदवानी जी ने स्वागत किया है, जोरदार तालियां हो जाए। पुष्पा दीदी ब्रह्म कुमारी की तरफ से स्वागत कर रही हैं। आपको सुनने में इंतजार रहेगा। मैं आप सबको बता दूं कि सबसे पहले हमारे मिनिस्टर साहब रविंद्र चौहान जी यहाँ आए थे, जोरदार तालियां हो जाए। हम सब लेट थे सर, राइट टाइम आए हुए थे। मैं चाहता हूं कि सर हमारे लिए कुछ बातें बताएं तो हमारी और उत्साह, हमारा और एनर्जी ऊपर हाई लेवल हो। सर रिक्वेस्ट आपसे। आप सभी को विनंती है, सभी लोग दोनों हाथ उठाकर हमें घोषणा देनी है। बोलो भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे भारत माता की। आज जागतिक योगा दिन की आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। आज उल्लासनगर के हमारे लाडले एमएलए और विधायक कुमार जी ने यहाँ पर हर साल की तरह योगा दिन मनाने का तय किया और मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया। मैं उनका और भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप सभी को मालूम है हमारे देश के लोक लाडिले प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरे विश्व में ये जो योगा का जो महत्व है ये समझाने की सभी लोगों को कोशिश की। अपने देश में प्राचीन काल से हमारे सभी पूर्वजों ने इस योगासन के माध्यम से अपना आरोग्य, अपनी सेहत अच्छी रखने के लिए इसका बहुत सारे योगा के बहुत सारे फायदे हैं ये बार बार बताने की कोशिश की थी। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी ने ये पूरे देश नहीं तो पूरे दुनिया को बताने की कोशिश की कि हमारे देश ने शुरू किया हुआ ये योगा और इसका महत्व क्या है। आज पूरी दुनिया में 21 जून ये दिन योगा दिन, जागतिक योगा दिन करकर इसकी शुरुआत हुई है। हर उस देश का नागरिक पूरी दुनिया में ये दिन मना रहा है। स्कूल के सभी बच्चों को और सभी लोगों को मैं सिर्फ इतनी ही विनती करता हूँ कि पूरे दिन में सुबह सिर्फ आधा घंटा अगर हम ये योगासन का प्रशिक्षण लेकर अगर हम ये नित्य नियम करेंगे तो हमारे जीवन में बहुत सारी जो कठिनाइयाँ होती हैं, छोटे छोटे जो व्याधि जिसे कहते हैं, घुटने का दर्द हो, पेट का दर्द हो, स्पॉन्डिलिसिस हो, ये सब इलाज जो है ये डॉक्टरों के पास जाने की ज़रूरत नहीं गिरेगी। और
मैं सभी यहाँ पर उपस्थित सभी योगा टीचर्स के जिन्होंने पूरा प्रयास कर रहे हैं कि इसका प्रचार और प्रसार बहुत ज़्यादा तरीके से कर सके, उन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आप सभी को योगा दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हरिओम। बहुत बहुत धन्यवाद चौहान सर। जोरदार तालियां चौहान साहब के लिए प्लीज। 28 योगा इंस्टीट्यूट, 8 स्कूल्स और आप सब योग प्रेमियों का इस योग दिवस पे एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है।